अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज है एक्सरसाइज 14 की क्लास नंबर 6, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 इंटायरली सिमिलर विद क्वेश्चन नंबर 5। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 अभी अभी आपने सीखा होगा, आई होप सो, नहीं सीखा तो सीख लो, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल 1% भी मैं कहूँगा इनमें डिफरेंस नहीं है। अगर हम करेंगे सॉल्व तो आप देखेंगे कि ये क्या होता है। मैंने नोट भी पहले इसीलिए नहीं किया था कि आपके साथ खेलते खेलते करूँ, आप समझ जाएँ कितना सिमिलर है ये क्वेश्चन नंबर 5 से। शुरू करते हैं। 2 sin² θ - sin θ = 0। अगर मैं इस इक्वेशन को गौर से देखूं, चलिए मैं दोबारा लिख लेता हूं, 2 sin² θ - sin θ = 0। ओके, क्या कॉमन आ रहा है इसमें से? अगर आप फोकस से देखें, यू नो दैट sin θ इज गेटिंग कॉमन नाउ, तो लिख लेते हैं sin θ को। जैसे मैंने कॉमन लिखा, 2 sin² में से sin गया तो 1 sin बचा, माइनस, और sin θ से कटा तो क्या बचा, 1 = 0। एंड यू नो दैट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या होता है कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो ये वैल्यू इक्वल टू जीरो और ये वैल्यू भी इक्वल टू जीरो कंसिडर होती है। आई होप आपको ये पता होगा, वरना क्वेश्चन कन्फ्यूज करेगा, क्योंकि इसमें यही खेल है, आपको पता होना चाहिए। ये बहुत दफ़ा हो चुका है इसलिए अब ये नॉट अ बिग डील लगता है मुझे। ओके, पहले जीरो की बात कर लेते हैं कि ये स्टोरी क्या है। आप जानते हैं कि अगर साइन थीटा को मैं जीरो कंसीडर करूं तो इसकी स्टोरी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 में पूरी सुना चुका हूं कि साइन इनवर्स भी अगर मैं उधर ले जाके कर लूं, व्हाट आई मीन कि अगर मैं साइन को उधर ले जाऊं तो साइन इनवर्स जीरो, तो ये भी जीरो ही होता है। तो स्टोरी बड़ी सिंपल सी है कि याद रखना है आपने कि साइन हो, कोज हो, साइन कोस और टेंजेंट, तीनों जब वो जीरो होते हैं तो ये याद रखना हमने कि वो जीरो पे लाई करते हैं और पाई पे लाई करते हैं। ये बड़ी कमाल की बात बता रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ये याद रखना है कि साइन हो, कोस वन पे होता है वैसे, या मैं भूल गया था सॉरी, कि साइन और टेंजेंट अगर जीरो हो तो वो एंगल क्या बनाते हैं, उनका रेफरेंस एंगल क्या होता है, जीरो होता है। कोस का वन पे चाहे वो माइनस वन है चाहे वो वन है, उसका एंगल क्या बनता है, जीरो। और पाई, ये याद रखना है। खैर, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कोस का, जो कई होप्स हो के आएगा, तब भी मैं डिस्कस करूंगा उसको, लेकिन अभी के लिए इतना बता देता हूं कि साइन जीरो पे क्या होता है, रेफरेंस एंगल जीरो, और क्या होता है, पाई। क्यों? क्योंकि सम टाइम क्या होता है, हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो हम जीरो से लेकर 90 तक नहीं देखते, 180 तक देखते हैं, 360 तक भी देखते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। ओके, आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी। इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर है कि साइन थीटा जो जीरो है उसकी वैल्यूज क्या निकली हैं, जीरो और पाई। इसको सॉल्व फर्दर नहीं करेंगे कि ये लाई कहाँ करता है, क्योंकि साइन जीरो कहाँ लाई करता है, किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं, वो तो वहीं है। आई होप आप बात को समझ रहे हैं। ऑलराइट, कि साइन पॉजिटिव है नेगेटिव, जब जीरो हो गया तो जीरो हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं, मैं ज़रा थोड़ा इनको अरेज कर दूँ भाई साहब को। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो सिंपल सा काम होगा कि माइनस वन उधर जाके प्लस वन हो जाएगा, एंड साइन थीटा बिकम्स 1/2। आई होप आपको समझ आ रही है कि स्टोरी यहाँ तक कैसे चल रही है। ओके, आगे वाला काम इंटायरली सेम है जैसा कि हम अभी तक करते हैं, वही का वही। वो क्या, ज़रा उसको डिटेल से और आराम से देख लेते हैं, जैसे बाकी क्वेश्चंस किए हैं। साइन इज क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ लिख लेंगे पॉजिटिव इन। ओके, तो बात वहीं आ गई जो हम बार बार कह रहे हैं। बताइए ज़रा साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है। आई नो दैट ये बोरिंग हो चुका है, बहुत दफ़ा डिस्कस हो चुका है, लेकिन बार बार लिखने का फ़ायदा ये है कि रट्टा लग जाएगा यार। तो साइन इज़ पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, तो वही वाला खेल खेला जाएगा, साइन इज़ पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट्स विद रेफरेंस एंगल। तो ज़रा बताइए कि साइन 1/2 क्या होता है। आई होप आपको याद होगा, साइन 1/2 होता है पाई बाई 6। आई होप सो, या तो अब क्या करेंगे, विद रेफरेंस एंगल पाई बाई 6। तो आगे वाला प्रोसीजर तो आपको आता है, आई नो यू, आपको आता है। तो हम क्या करने लगे हैं, हम इधर सॉल्व कर लेते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड के लिए, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना। स्टोरी बड़ी सिंपल सी है, थीटा फर्स्ट के लिए क्या हमारा रेफरेंस एंगल है, पाई बाई 6, तो वो वही रहेगा। क्यों, आपको पता है कि फर्स्ट कहाँ से मूव करता है, जीरो से, तो इसमें अगर मैं कोई भी चीज़ ऐड कर दूँ तो वो वही रहेगी। सो पहला आंसर तो आ गया। सेकंड के लिए क्या करेंगे, सेकंड का मतलब ये है कि अगर सेकंड में आ रहा है तो पाई से पीछे आ रहा है, तो पाई से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो वही करेंगे, पाई माइनस क्या रेफरेंस एंगल है, पाई बाई 6, पाई बाई 6, दैट्स इट। एलसीएम ले लेते हैं, 6π - π/6, 6π में से पाई गए तो 5π/6। जी ये लें, ख़त्म हो गया क्वेश्चन, ख़त्म हो गया। नहीं, अभी तो हमने इनकी वैल्यूज़ लिखनी है। पहले हमने क्या लिखना है, पहले हमने लिखना है कि इनकी जो जनरल वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं। तो हम लिख लेते हैं जनरल वैल्यूज़
मैं स्पेलिंग देख रहा होता हूँ, कई दफ़ा ना मैं स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ, इसके लिए मैं माजर चाहता हूँ कि अगर कहीं कोई मिस्टेक हो जाए। और बेटर यही है कि आप सब भी बता दिया करें कमेंट सेक्शन में कि ये क्वेश्चन यहाँ से गलत हो गया, सर ने यहाँ पे वैल्यू गलत लिख दी, ताकि बाकी कोई स्टूडेंट आए तो उसे पता चल जाए। या सो जनरल वैल्यूज़ ऑफ थीटा क्या होंगी, यहाँ पर थीटा की वैल्यू है पाई बाई सिक्स प्लस, और यहाँ के पे थीटा की वैल्यू है 5π/6 प्लस। अब ये प्लस क्यों लिखा, यू नो दैट, या कि हम इनके अंदर पीरियड ऐड करने लगे हैं साइन का, और साइन का पीरियड क्या होता है 2π, बस वो ऐड कर देना 2nπ, और इधर भी 2nπ। बट आंसर लिखने का तरीका तो ये है ही नहीं, आंसर कैसे लिखते थे, वही बोरिंग बेटंगा यार, अजीब सा काम यार, आई नो बोरिंग है, करना पड़ेगा। आंसर लिखना है सोल्यूशन सेट, पहली ब्रैकेट पाई बाई सिक्स प्लस 2nπ यूनियन 5π/6 प्लस 2nπ एंड दैट्स इट, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कहीं ये ना हो कुछ लोग लिख देते हैं, या मैं भी जब स्टूडेंट था तो समझ नहीं पाता था, तो इनको भी इसके अंदर लिख देता था, ज़रूरत नहीं है। ज़ीरो की वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़ीरो का रेफरेंस एंगल ज़ीरो होता है, कोस के अंदर वन में भी कोस वन का रेफरेंस एंगल ज़ीरो होता है। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, और ये एक्सरसाइज और क्वेश्चंस आपकी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर कर पा रहे होंगे समझने में, काम तो करना ही है। हो सकता है मैं थोड़ा आसान करके उसको प्रेजेंट सही से कर पा रहा हूँ और आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, खुद आप सबको खुश रखे और कामयाब करे, खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।